स्वागत बंधन। आज हम कक्षा 12वीं अभिव्यक्ति और माध्यम यानी संचार माध्यम के अंतर्गत कुछ विशेष लेखनों को पढ़ेंगे और समझेंगे। चलिए, जैसे यहाँ पर दिया है कुछ अति लघुतरी प्रश्न है कि सबसे पहला आता है कि विशेष लेखन क्या है। ठीक है, तो विशेष लेखन यानी किसी खास विषय पर सामान्य लेखन से हटकर किया गया लेखन, उसको कहते हैं विशेष लेखन। ठीक है, फिर आता है कि विशेष लेखन किन विषयों पर किया जाता है। तो किन विषयों पर किया जाता है, तो विशेष लेखन खेल, कारोबार, सिनेमा, विज्ञान, शिक्षा, मनोरंजन, फैशन आदि विषयों पर किया जाता है। इस प्रश्न का आंसर हुआ। ठीक है, कब हुआ? फिर प्रश्न, डेस्क किसे कहते हैं? तो डेस्क समाचार पत्रों और पत्रिकाओं के अलावा टीवी और रेडियो चैनलों पर विशेष लेखन के अलग डेस्क होता है, जिस पर समाचारों का संपादन करके छपने या प्रसारण योग बनाया जाता है। संवाददाताओं के बीच काम का विभाजन किस आधार पर किया जाता है? तो संवाददाताओं के बीच काम का विभाजन आमतौर पर उनकी दिलचस्पी यानी किसमें उनका ज्यादा मन लगे, उनका क्या रुझान है, उस ज्ञान को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। जिसमें उनकी दिलचस्पी हो, रुचि हो, उसको ध्यान में रखते हुए किया जाता है। फिर आता है विशेष संवाददाता किसे कहते हैं? तो विशेषीकृत रिपोर्टिंग करने वाले रिपोर्टर को, विशेषीकृत रिपोर्टिंग करने वाले रिपोर्टर को विशेष संवाददाता कहते हैं। विशेष लेखन के तहत रिपोर्टिंग के अलावा क्या क्या आता है? तो रिपोर्टिंग के अलावा उस विषय का क्षेत्र, विशेष पर फीचर, टिप्पणी, साक्षात्कार, लेख, समीक्षा और स्तंभ लेखन आदि आता है। फिर है अखबार और पत्र पत्रिकाओं में लेख या स्तंभ लिखने वाले कौन से दो प्रकार के लेखक होते हैं? तो अखबार और पत्र पत्रिकाओं में लेख या स्तंभ लिखने वाले एक तो पेशेवर पत्रकार होते हैं, दूसरा विषय के जानकार या विशेषज्ञ होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर आता है कि विशेष लेखन की शैली कैसी होती है, विशेष लेखन की शैली कैसी होती है। तो विशेष लेखन में बीट से जुड़ा कोई भी समाचार हो तो उसे उल्टा पिरामिड शैली में लिखते हैं, तथा समाचार फीचर तथ्यात्मक शैली में लिखा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर है लघुतरी प्रश्न। सबसे पहला है विशेष लेखन क्यों किया जाता है? तो विशेष लेखन मुख्य दो कारणों से किया जाता है। पहला, विशेष लेखन समाचार पत्रों में विविधता लाने और उसका कलेवर बढ़ाने के लिए किया जाता है। दूसरा, पाठकों की व्यापक रुचियों और उनकी जिज्ञासा को शांत करने, उनका मनोरंजन करने के लिए विशेष लेखन किया जाता है। प्रश्न है, मीडिया की भाषा में आवाज़ बीट किसे कहते हैं? तो संवाददाताओं के बीच काम का विभाजन आमतौर पर उनकी दिलचस्पी और ज्ञान को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। मीडिया की भाषा में इसे क्या कहते हैं? बीट क्षेत्र में कहते हैं। ठीक है, फिर है एक संवाददाता की बीट अगर अपराध है तो उसका कार्यक्षेत्र अपने क्षेत्र में घटने वाली आपराधिक घटनाओं की रिपोर्टिंग करना, अखबार की ओर से वह इसकी रिपोर्टिंग के लिए जिम्मेदार और जवाबदार जवाबदेह भी है। फिर है बीट रिपोर्टिंग और विशेषीकृत रिपोर्टिंग में क्या अंतर होता है? बीट रिपोर्टिंग
और विशेषीकृत रिपोर्टिंग में अग्रलिखित अंतर होता है। अब यहाँ पर आएगा वीट, पहला जो उसमें दिया हुआ है कि वीट करने वाले रिपोर्टर को संवाददाता और विशेषीकृत रिपोर्टिंग करने वाले रिपोर्टर को विशेष संवाददाता कहा जाता है। वीट कवर करने वाले रिपोर्टर को संवाददाता और विशेषीकृत रिपोर्टिंग करने वाले रिपोर्टर को विशेष संवाददाता कहते हैं, विशेष संवाददाता, तो उसको कहते हैं विशेष संवाददाता। अब आता है वीट की रिपोर्टिंग के लिए जो संवाददाता होता है वह उस क्षेत्र की जानकारी और दिलचस्पी रखते हुए जरूरी जो सूचनाएं हैं तथ्य एकत्र करता है। विशेषीकृत रिपोर्टिंग में विशेष क्षेत्र या विषय से जो घटनाएं जुड़ी होती हैं, जो मुद्दे होते हैं, जो समस्याएं होती हैं, उन सबका बारीकी से विश्लेषण करता है, साथ ही उनके घटित होने के कारण भी बताता है और प्रभाव भी बताता है। ठीक है, अब आता है विशेष लेखन किनके द्वारा किया जाता है, किनके द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पर आएगा विशेष लेखन का कार्य समाचार या पत्रिका में काम करने वाले पत्रकार से लेकर फ्रीलांस पत्रकार या लेखक सभी कर सकते हैं। शर्त सिर्फ यह है कि विशेष लेखन के इच्छुक पत्रकार या स्वतंत्र लेखक को उस विषय में क्या होना चाहिए, माहिर होना चाहिए, उस क्षेत्र की ज्यादा से ज्यादा ताजा सूचनाएं हो, तथ्य और सूचना एकत्र करते हो और उस क्षेत्र की जनता से बराबर संपर्क रखते हो। आगे पढ़ते हैं, आप यहाँ पर देखिए, आप यहाँ आया है कि विशेष लेखन में विशेषज्ञता कैसे प्राप्त की जा सकती है। तो विशेष लेखन में किसी भी विषय की विशेषज्ञता प्राप्त करने के लिए उपाय है, पहला विशेषज्ञता प्राप्त करने वाले विषय में वास्तविक रुचि होनी चाहिए, दूसरा उच्चतर माध्यमिक प्लस टू और स्नातक स्तर पर उसकी विषय में पढ़ाई करें और विषय से संबंधित पुस्तकें खूब पढ़ें, अपने को अपडेट रखें, प्रोफेशनल विशेषज्ञों के लेख पढ़ें, कटिंग रखें और विषय का शब्दकोश व इनसाइक्लोपीडिया भी रखें। ठीक है, विषय से संबंधित सरकारी गैर सरकारी संगठनों और संस्थाओं की सूची और फोन नंबर रखें। अब आता है विशेषज्ञता एक तरह से अनुभव का परिणाम, ठीक है, इसका दायरा बहुत बड़ा होता है। फिर आता है समाचार पत्रों में कारोबार और अर्थ जगत से जुड़ी खबरों के लिए अलग अलग से पृष्ठ क्यों होता है। तो समस्त समाचार पत्रों में कारोबार अर्थ जगत से जुड़ी खबरों के लिए एक या दो पृष्ठ अवश्य होते हैं। इसका कारण है कि अर्थ या धन हर व्यक्ति के जीवन का मूलाधार है, हमारे रोजमर्रा के जीवन में इसका खास महत्व है। हम बाजार से कुछ खरीदते हैं, बैंक में पैसे जमा करते हैं, बचत करते हैं, कारोबार योजना बनाते हैं, आर्थिक फायदे नुकसान की बात करते हैं, इन सबका कारोबार अर्थ जगत से संबंध जुड़ा होता है। पाठकों की अर्थ जगत की खबरों में रुचि होती, पाठक घटती बढ़ती कीमतों की जानकारी में रुचि रखता। ये दूसरा यहाँ से शुरू होता है अति लघुतरी प्रश्न, क्या आते हैं यहाँ पर अति लघुतरी प्रश्न। सबसे पहला है मौखिक कविता का जन्म कब हुआ, तो मौखिक कविता का जन्म माँ दादी नानी की लोरियों के बोल से हुआ। बच्चों की पढ़ाई का आरंभ कैसे हुआ, तो बच्चों की पढ़ाई का आरंभ नर्सरी के गानों से होता है। फिर आलोचक और कवियों को कविता कैसी लगती है, तो आलोचक और कवियों को कविता कभी जादू लगती है तो कभी पहेली लगती है। फिर है प्रश्न निम्नलिखित कविता कहाँ से आरंभ होती है, तो जो निम्नलिखित जो लिखित कविता कहाँ से आरंभ होती है, तो लिखित जो कविता होती है जब हम शब्दों को लिखते हैं, लिखने लिखित शब्दों के खेल से आरंभ होती है। ठीक है, कविता के मूल में क्या होता है, तो कविता के मूल में संवेदना है, राग तत्व। संवेदना किस घटना का बोध होती है, तो संवेदना संपूर्ण सृष्टि से जुड़ने और उसे अपना बना लेने का बोध है। कवि वाल्मीकि जीवन के प्रारंभिक दिनों में इस प्रकार
जवाब यहां पर दिया है कविता, यहां पर दिया है लिखित कविता कहां से आरंभ होती है, तो लिखित कविता लिखित शब्दों के खेल से आरंभ होती है। कविता के मूल में क्या होता है, तो कविता के मूल में संवेदना राग तत्व है। संवेदना किस घटना का बोध होती है, तो संवेदना संपूर्ण सृष्टि से जुड़ा और उसे अपना बना लेने का बोध होती है। फिर कवि वाल्मीकि जीवन के प्रारंभिक दिनों में कौन थे, तो कवि वाल्मीकि जीवन के प्रारंभिक दिनों में रत्नाकर नाम के डाकू थे। कविता की अनजानी दुनिया का सबसे पहला उपकरण क्या है, तो कविता की अनजानी दुनिया का सबसे पहला उपकरण क्या है, शब्द। कविता की पहली शर्त क्या होती है, तो कविता की पहली शर्त होती है शब्दों से मेल जोल। अब यहां पर आता है कि लघु उत्तरी प्रश्न, कविता क्या है, तो दादी नानी के मुख की लोरियां की लिखित कविता के रूप में कविता कही जा सकती है। कविता की व्याख्या करना एक पहेली के समान है। कविता हमारी संवेदना के निकट होती है, वह हमारे मन को छू लेती है, कभी कभी मन को जब जोड़ देती है, वह संवेदना संपूर्ण सृष्टि से जुड़ने अपना बना रहने का बोध है। कविता काव्य का पद साहित्य की वह विधा है जिसमें किसी कहानी मनोभाव को कलात्मक रूप से किसी भाषा द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है। कविता का शाब्दिक अर्थ है काव्यात्मक रचना या कवि की कृति जो छंदों की श्रृंखलाओं में विधिवत बांधी जाती है। इस प्रकार शब्दों और ध्वनियों से खेलना ही कविता। फिर है कविता लेखन से संबंधित कौन से दो मत, पहला आता है पहला मत है कि कविता लेखन की कोई निश्चित प्रणाली नहीं होती। कविता मानवीय संवेदनाओं से जुड़ी होती है, इसे एक भावुक हृदय ही लिख सकता है और कविता को चित्रकला संगीत कला नृत्य कला की तरह सिखाया नहीं जा सकता और ना राग ऊंची स्वर वाद्य जैसे उपकरणों का प्रयोग किया जा सकता। दूसरा मत है कि चित्रकला संगीत कला नृत्य कला की तरह कविता लेखन को सिखाया जा सकता है। भारत तथा पश्चिम के कुछ विश्वविद्यालयों में कविता लिखना सिखाया जाता है। कविता लेखन अभ्यास धैर्य से सीखा जा सकता है। कविता लेखन का उपकरण शब्द और शब्दों का मेलजोल है। आता है कि कविता लिखना अन्य कलाओं की तरह क्यों नहीं सिखाया सकता, तो कविता लिखना अन्य कलाओं की तरह नहीं सिखाया जा सकता। हम जानते हैं कि चित्रकला में रंगकुची कैनवास संतोष संगीत में स्वर ताल वाद आदि होते हैं, लेकिन कविता ऐसी कला है जिसमें किसी वाह उपकरणों की मदद नहीं ली जा सकती। कवि की कठिनाई यही है कि उसे भाषा के उन उपकरणों से काम लेकर कुछ विशेष रचना होता है। कविता की दुनिया का पहला उपकरण शब्द है, शब्दों के मेलजोल से कविता की पहली शर्त है और कवि अपनी इच्छानुसार शब्दों को जुटाता है और लय से गठित करता है। इस प्रकार कविता को लिखना सिखाया जा सकता है। कविता का पहला उपकरण पहली शर्त क्या स्पष्ट करो, तो कविता का पहला उपकरण पहला शब्द उपकरण जो शब्द है और पहली शर्त है शब्दों का मेलजोल। अंग्रेजी की कवि डब्ल्यू एच ऑर्डन ने भी कहा है कि प्ले विद द वर्ड, यानी आरंभ में शब्दों से खेलना सीखे, शब्दों से खेलना उनसे मेलजोल बढ़ाना, शब्दों के भीतर जो सदियों से छिपे अर्थ की परतों को खोलना, एक शब्द अपने भीतर कई अर्थ छुपाए रहता है, एक शब्द अपने भीतर कई अर्थ छुपाए रहता है। कुछ कुछ इंटरनेट की तरह इंटरनेट से जुड़ना ज्ञान विज्ञान की नई दुनिया से जुड़ना है, शब्दों से जुड़ना कविता की दुनिया में प्रवेश करना है। बच्चे खेल खेल में गीत रच डालते हैं जैसे भो भो रानी कितना पानी, ठीक है। अब यहां आता है कि छंदों को कविता का अनिवार्य तत्व क्यों कहा जाता है, तो छंद के आधार पर कविता दो प्रकार से लिखी जाती है। पहला आता है छंद मुक्त कविता और छंद युक्त कविता। छंद मुक्त कविता में अर्थ की लय का निर्वाह का जरूरी है, नागार्जुन की कविता छंद मुक्त है, तो इस प्रकार
विशेष छंद न होकर संगीतात्मक लगता है लेकिन अर्थ का भीतरी छंद है। कवि आरंभ में छंद मुक्त कविता ही लिखता है। छंद मुक्त कविताएं भाव प्रधान होती है, छंद के नियमों का पालन करते हुए लिखी कविता छंद युक्त कविता कहलाती है। इसमें दोहा, चौपाई, रोला आदि छंदों का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार से कवि किसी भी प्रकार की रचना कर सकता है, इसलिए छंदों को कविता का अनिवार्य तत्व माना जाता है। कविता के पांच प्रमुख कौन से घटक हैं? तो कविता के प्रमुख घटक है, पहला भाषा का सम्यक ज्ञान जरूरी होता है। भाषा में शब्द और शब्दों का विन्यास आकर्षक शैली होना चाहिए। कविता की रचना छंद मुक्त या छंद युक्त दोनों प्रकार की होती है। कम से कम शब्दों में अपनी बात कहना कवि का गुण होता है। कम से कम शब्दों में अपनी बात कहना कवि का क्या होता है? गुण माना जाता है। फिर शब्दों का चयन, उनका गठन और भावानुसार लयात्मक अनुशासन कविता के प्रमुख घटक होते हैं। इस प्रकार यहाँ पर मैंने आपको जो जन संचार अभिव्यक्ति माध्यम उसके अंतर विशेष लेखन और कविता, ये इनके प्रश्नोत्तरों को पढ़ाया, समझाया। विशेष लेखन क्या होता है, बीट किसे कहते हैं, विशेष संवाददाता किसे कहते हैं, आप इन प्रश्नोत्तरों को अच्छे से लिख लेंगे और याद करेंगे। धन्यवाद।